आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बिगड़ती तबीयत की वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनकी रिहाई की मांग उठा दी है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू कर दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बिगड़ती तबीयत को लेकर जहां सड़क पर उनके कार्यकर्ता प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं अब उनकी रिहाई की मांग भी उठने लगी है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अब लालू को रिहा करने की मांग की है। तेज प्रताप ने अपने पिता की रिहाई के लिए 31 साल पुराने दिनों को याद किया है और हैशटैग रिलीज लालू यादव के नाम से मुहिम शुरू की है। इसके तहत तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर अपने पिता की पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिरों में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसानियत ही नहीं बचेगी तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने हैशटैग रिलीज लालू यादव भी लिखा है। अपने पिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तेज प्रताप यादव श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करवा रहे हैं। तेज प्रताप के साथ साथ पूरा परिवार लालू की सलामती को लेकर प्रार्थना कर रहा है। तेजस्वी से लेकर राबड़ी और मीसा भारती ने रांची के रिम्स में कई घंटे तक लालू से मुलाकात भी की। हालांकि इस दौरान राबड़ी देवी काफी भावुक हो गईं, लेकिन लालू यादव ने कहा कि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब लालू यादव तो परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो 16 बीमारियों से ग्रसित हैं। डॉक्टर्स के इसी बयान के बाद तेज प्रताप ने रिहाई की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि इस पर केंद्र का क्या रुख रहता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।